सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा मामला वार्ता के लिए सचिवालय पहुंचा प्रतिनिधिमंडल और 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पहुंचा है। स्वायत्त शासन सचिव जोगाराम से वार्ता के लिए ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है। 3 दिन से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। सफाई कर्मचारी प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है और इसी मांग के साथ ये सफाई कर्मचारी बातचीत करने के लिए पहुंचे। 25 सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल है जो बातचीत करने के लिए पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 दिन से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई और उस वजह से जयपुर की सफाई व्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस भर्ती विज्ञप्ति को स्थगित किया जा चुका है, कल ही इसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन क्या इस भर्ती को स्थगित करने के बाद भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने वाली है या फिर ये हड़ताल भी स्थगित कर दी जाए। हालांकि जो मांग की जा रही है वो मांग ये है कि इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए और इसी मांग को लेकर 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने पहुंचा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, LIG सचिव जोगाराम, DLB हरदेश शर्मा, उपनिदेशक नरेंद्र वर्मा मौजूद हैं। 3 दिन से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं और जैसा कि हमने बताया कल इस भर्ती विज्ञप्ति को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। हालांकि इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। यानी कि मानकर चलिए कि अगर ये आंदोलन खत्म होता है, समझौता होता है, सहमति बनती है तो उस आधार पर फिर इस भर्ती को ओपन किया जाएगा, इस भर्ती को वापस स्केड्यूल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है, तस्वीर ये है कि भर्ती स्थगित है और 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए पहुंचा है, अपनी मांगों को रखने के लिए पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं, खबर जयपुर से है। निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मी हड़ताल पर। नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीष गुर्जर के आवास पर सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने निगम हेरिटेज में सभा का आयोजन कर मांगे नहीं मानने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। इस मौके पर संयुक्त वाल्मीकि और संघर्ष सफाई श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि सरकार के साथ हुए समझौते की पालना के तहत साल 2018 से पहले सफाई कर्मियों को भर्ती में प्राथमिकता देने और 13,000 की जगह 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करने की मांग सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। जब तक हमने जो 5 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं उन मांगों का निस्तारण नहीं होता तब तक कर्मचारी इसी तरह आंदोलन करेंगे। नंबर वन हमारी ये मांगे, पहले मांगे तो 2018 से पहले जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया, बीट पर कार्य किया, मस्टोल पर कार्य किया, उन लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता। और जो सफाई जो परंपरागत रूप से जो परिवार सफाई का कार्य करता आ रहा है बरसों से, वाल्मीकि समाज के लोग, उन लोगों को इस भर्ती में नियुक्ति में प्राथमिकता। तीसरी हमारी मांग यह है कि जो 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती माननीय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा बजट घोषणा की थी, स्वयं माननीय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा जो बजट में घोषणा की थी उस समय यह कहा था वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए, वाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए और वाल्मीकि समाज के लोगों के भविष्य के लिए मैं 30,000 सफाई कर्मचारी की घोषणा करता हूँ।